इन द प्रीवियस एपिसोड आप लोगों ने देखा था कि कैसे हम लोग गुवाहाटी से शिलोंग पहुंचे थे, शिलोंग में हमारा वर्ड्स लेक का एक्सपीरियंस कैसा था एंड कैसे हम लोगों ने शिलोंग के नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय किया था। अगर अभी भी आप लोगों ने वो वाला एपिसोड नहीं देखा है तो जल्द से जल्द देख लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड ऊपर आई बटन में लिंक दिया गया है। तो चलो शुरू करते हैं विद द पार्ट 3 ऑफ अवर नोटिस 2। गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम शिलोंग। यहाँ पर आ चुका है हमारा ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट कंप्लीट करके हम लोग निकल जाएंगे एक्सप्लोर करने के लिए डॉकी, बांग्लादेश, एशियाज क्लीनेस्ट विलेज एंड ऑफ कोर्स रूट ब्रिज। तो चलो जल्दी खाना ख़त्म करके निकल पड़ते हैं। तो हम लोग अभी पहुंच गए हैं डॉकी में, तो चलो जल्दी चलते हैं नीचे की तरफ। हम लोग अभी इंडिया के अंदर हैं और उस तरफ जो शॉप्स दिखाई दे रहे हैं वो बांग्लादेश के अंदर हैं। तो चलो चलते हैं बांग्लादेश के अंदर। जगह है बांग्लादेश का और अभी हम लोग बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं बांग्लादेश, और अभी हम लोग आए हैं बांग्लादेश के अंदर थोड़ा खरीदारी करने के लिए। अच्छा ये क्या आचार है? नाम की मौसला कुलेर आचार। मौसला कुलेर आचार, तो ये है मौसला कुल का आचार। तो डॉकी का बोट राइड बहुत ही फेमस है और वही ट्राई करेंगे अभी, मिलकर आए बांग्लादेशी लोगों के साथ। और अभी बोट राइड का टाइम है तो चलो चलते हैं। डॉकी को बाय बाय कहकर अभी हम लोग जा रहे हैं टुवर्ड्स द क्लीनेस्ट विलेज ऑफ एशिया। तो अभी हम लोग आ गए हैं मॉलिंग्राम में, जिसे कहा जाता है एशिया क्लीनेस्ट विलेज देखने के लिए। तो चलो देखते हैं, लंच फिनिश हो गया है हमारा, अच्छा था खाना। और अभी चलो देखते हैं कैसा लगता है विलेज। पहले से ही बहुत ही क्लीन है जब से आए हैं, और चारों तरफ यहाँ पर डस्टबिन बनाया गया है और फ्लावर्स से भरा हुआ है ये विलेज। तो चलो चलते हैं अंदर। तो यहाँ से शुरू होता है मॉलिंग्राम विलेज का एंट्री पॉइंट।
चलते हैं अंदर। ये है मॉलिंग्राम का प्लेग्राउंड, फुटबॉल का ग्राउंड भी सच में बहुत ज़्यादा क्लीन है। मॉलिंग्राम के पास में ही हम लोग देखने आए हैं बैलेंसिंग रॉक। अनफॉर्चुनेटली ये बंद है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा किसी वॉल के ऊपर से व्यू लेने का। फाइनली वॉल के ऊपर से व्यू मिल गया। इसके नीचे एक छोटा सा रॉक है एंड उसके ऊपर ये बड़ा सा रॉक बैलेंस करके खड़ा हुआ है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं रूट ब्रिज देखने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर बहुत सारे रूट ब्रिज हैं, डबल रूट ब्रिज है यहाँ और एक सिंगल रूट ब्रिज, और इनमें जाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। सो ये सबसे छोटा रास्ता है। कोई कहता है 80 स्टेप्स तो कोई कहता है 200 स्टेप्स, वैसा ही 100 स्टेप्स जैसा होगा और वो चलने के बाद हम पहुँच जाएँगे रूट ब्रिज। सो जिनको अर्थराइटिस का प्रॉब्लम है या फिर चलने में दिक्कत होती है या फिर एस्मा का प्रॉब्लम है, उनके लिए यह रास्ता एकदम परफेक्ट है। सो चलो चलते हैं। यहाँ पर जाते जाते रेस्ट करने के लिए बैठने की जगह भी बनाई हुई है। जो लोग टायर्ड हो जाओगे यहाँ पर बैठ भी सकते हो। सो फिलहाल हम तो चलेंगे, अभी रेस्ट नहीं लेंगे। हर जगह पर बैठने के लिए जगह बनाई हुई है, दिक्कत की कोई बात नहीं है। जस्ट संभल के चलिए, रॉक्स हैं, पैर यहाँ पर स्लिप कर सकते हैं। सो उसी को दिमाग के रख के ही संभल के चलना पड़ेगा। उस नीचे है रूट ब्रिज। मुझे पता नहीं आप लोगों का वाटर का साउंड आ रहा है या नहीं, लेकिन वहाँ पर है। सो फाइनली वॉक करते करते हम लोग पहुंच गए हैं रूट ब्रिज में एंड नाउ इट्स टाइम टू वॉक ओवर द रूट ब्रिज। सो चलो चलते हैं, देखते हैं कैसा रहता है एक्सपीरियंस। लवली लवली, ट्रस्ट मी व्यूअर्स, इट्स ऑसम। एंड एक चीज़ यहाँ पर वॉक करते करते आप लोग हॉल्ड नहीं कर सकते, यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड है, वो आपको हॉल्ड नहीं करने देंगे। यू नीड टू कीप ऑन वॉकिंग।